कुमकुम भगिया के आज के एपिसोड में पूरे होश में वापस आता है और उसे याद आता है कि किसी ने बुकी में बॉम्ब लगाया था। वो इस बारे में अभी को बताने जाता है। अभी रावण को आग लगाने वाला होता है कि पूर्व उसे बताता है कि उस बुकी में बॉम्ब है। अभी को याद आता है कि वो बुकी प्रज्ञा कार में रखने गई है। अभी प्रज्ञा को आवाज़ देता है, लेकिन प्रज्ञा अभी की आवाज़ सुनती है क्योंकि वहाँ पे बहुत शोर होता है। अभी प्रज्ञा की तरफ भागता है, उससे हाथ से बुकी छीन कर रावण की तरफ फेंक देता है और उसी वक्त वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। अभी प्रज्ञा को गले से लगा लेता है। इतने में सिक्योरिटी गार्ड अभी और आलिया को सेफ जगह पर ले जाते हैं। अभी को प्रज्ञा की फिक्र होती है और वो पूर्व से कहता है कि तुम प्रज्ञा को घर ड्रॉप कर दो। दूसरी तरफ अभी बेड पर लेटा होता है। दादी उसके पास आती हैं और उस पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ये दशहरा का फंक्शन ना अभी करो और देखो आज बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अभी दादी से पूछता है कि आपको बॉम्ब के बुकी में बॉम्ब है इसके बारे में किसने बताया। दादी कहती हैं कि उन्हें पूरब ने बताया। अभी पूरब को बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें बॉम्ब के बारे में किसने बताया। पूरब बताता है कि मैंने दो लोगों को देखा था जो बॉम्ब लगा रहे थे। दूसरी तरफ आलिया बहुत गुस्से में होती है क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया होता है। दूसरी तरफ दादी वरिड होती हैं और सोचती हैं कि ये बॉम्ब अभी को मारने के लिए नहीं था क्योंकि अभी काफ़ी देर उस बुकी के पास खड़ा रहा। अगर अभी को मारना होता तो पहले ही बॉम्ब ब्लास्ट कर देते। इतने में दादी को याद आता है कि आलिया ने वो बुकी प्रज्ञा को दिया था। ये दादी को समझ आ जाता है कि आलिया और तनु ने प्रज्ञा को एक बार फिर मारने की कोशिश की। दादी सोचती हैं कि उन्हें ये बात सरला जी को ज़रूर बतानी चाहिए क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा अभी सारी मूवमेंट्स को याद करता है और सोचता है कि उसे पता लगाना ही होगा कि इस बॉम्ब के ब्लास्ट के पीछे कौन है।